जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल सुनीता जी के किचन में। सोया चंक्स की सब्जी वैसे तो आपने बहुत बार बहुत तरीके से बनाई होगी, पर आप एक बार इस सब्जी को इस तरीके से बना के देखिए, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो बिना किसी देरी के आज की मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। सोया चंक्स की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम सोया चंक्स को ले लिया है। इसे हम पानी में डालकर गैस पे 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सोया चंक्स स्वेल हो चुके हैं, फूल चुके हैं, तो इस स्टेज पे अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ें ले लेंगे जिन्हें हम अच्छे से वॉश करके कट कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लेंगे जिनके हमने छिलके अच्छे से छील लिए हैं। 1/2 कप हम यहाँ पर धनिया ले लेंगे। 4 हम यहाँ पर हरी मिर्च ले लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 3 प्याज और 1 इंच हम यहाँ अदरक का टुकड़ा ले लेंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं। यहाँ पर हम सब चीज़ों को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आलू को क्यूब्स में कट कर लेंगे। यहाँ पर हम प्याज को भी बारीक कट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने आलू और प्याज को अच्छे से कट कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सोया चंक्स अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। इसके ठंडे हो जाने के बाद हम इसका जो एक्सेस वाटर है उसे इसमें से निकाल लेंगे। अगर आपके घर में किसी को सोया चंक्स की सब्जी ज़्यादा ही नहीं पसंद है तो आप एक बार इस सब्जी को इस तरीके से बनाइएगा। ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है और खाने में भी इसका जो टेस्ट रहता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अब हम गैस चालू करके कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देते हैं। कढ़ाई के गर्म होते ही हम इसमें 1 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल के गर्म होते हम इसमें एक एक करके सब सोया चंक्स इसमें डाल देंगे। हम इसे 80-90% कुक कर लेंगे और इसमें हमें मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करना है। 3-4 मिनट में अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। बस आप देख सकते हैं यहाँ पर सोया चंक्स अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल के साइड में रख देंगे। यहाँ पर हमें एक पेस्ट तैयार करना है जिसके लिए हम इसमें 1 चम्मच जीरा, 10-11 साबुत काली मिर्च, 4 हरी मिर्च, 12-13 लहसुन की कली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, छोटे साइज का प्याज जिसे हमने रफली कट कर लिया है। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे। पीसने के बाद कुछ ऐसा टेक्सचर हो जाना चाहिए पेस्ट का। यहाँ पर हम 2 टमाटर को मिक्सी जार में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। यहाँ पर हमने टमाटर को भी अच्छे से पीस लिया है। अब हम अपनी सोया चंक्स की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम इसमें 2 बड़ी चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। तेल के गर्म होते हम इसमें तड़के के लिए 1 चम्मच जीरा, 2 साबुत लाल मिर्च, 1 तेजपत्ता, इन सब चीज़ों को डाल देंगे। इन सब चीज़ों के चटकने के बाद हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालकर इसे अच्छे से चला लेंगे।
आप सब देख सकते हैं यहाँ पर हमारे प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें आलू ऐड करके इसे अच्छे से चला लेंगे। आलू भी यहाँ पर 4 से 5 मिनट में अच्छे से कुक हो जाएंगे। आलू के पक जाने के बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। हमने जो पेस्ट बनाया था हम वो इसमें डाल देंगे। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर हमारे मसाले 5 से 6 मिनट में एकदम अच्छे से पक जाएंगे। यहाँ पर हमें गैस का फ्लेम लो रखना है, नहीं तो हमारे जो मसाले हैं वो पूरे जल जाएंगे। मसालों के अच्छे से पक जाने के बाद हमने जो टोमेटो पेस्ट बनाया था हम वो इसमें डालकर इसे अच्छे से आपस में मिला लेंगे। आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हमें मसाला या जैसे हमने यहाँ पर टोमेटो की प्यूरी इसमें डाली, इस टाइम पे हम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। अगर हम यहाँ पर हाई फ्लेम रखेंगे और हमने मसाले भी डाल दिए तो जो हमारे मसाले रहेंगे वो उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो हमेशा आप जब भी मसालों को आपको पकाना है तो आप हमेशा उसे लो टू मीडियम रखिएगा। इससे जो सब्ज़ी का स्वाद है वो भी ख़राब नहीं होगा और सब्ज़ी पक जाएंगी एकदम अच्छे से, उसका स्वाद और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मसालों ने अच्छे से तेल छोड़ दिया। अब इस स्टेज पे हम इसमें 3 ग्लास पानी डालकर इसे अच्छे से चलाएंगे। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उस अनुसार इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं सब्जी का कलर कितना ज़्यादा अच्छा आया। इसके बाद हम एक एक करके सब सोया चंक्स को ग्रेवी में डाल देंगे। यहाँ पर हम इसे 5 मिनट उबाल आने तक अच्छे से कुक कर लेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसे एक बार ज़रूर अपने घर पर ट्राई करके देखिएगा। तब तक हम यहाँ साइड में गार्निशिंग के लिए धनिया को बारीक कट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी सोया चंक्स की सब्जी अच्छे से पक रही है। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालकर इसे अच्छे से चला लेंगे। आप इसे हमेशा लास्ट में ऐड कीजिए क्योंकि इससे जो सब्जी का टेस्ट है वो और ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी टेस्टी सोया चंक्स की सब्जी बनकर रेडी हो गई है। यहाँ पर हम धनिया को अच्छे से गार्निश कर लेते हैं। इसके बाद हम इसे अच्छे से चला लेंगे। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और यहाँ पर हमारी टेस्टी सोया चंक्स की सब्जी बनकर रेडी हो गई है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में, ताकि हम हमेशा की तरह आपके लिए कुछ ऐसी नई नई रेसिपी बट कुछ आसान तरीके में लाते रहें। तब तक लिए दीजिए इजाज़त। जय श्री श्याम, राधे राधे।